ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम चुनावों में अभी कुछ ही महीने पूर्व बना दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ भी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। प्रदेश कार्यालय में इसे लेकर प्रकोष्ठ की एक बैठक हुई। इस बैठक में संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और मंदिर प्रकोष्ठ संयोजक करनैल सिंह ने बैठक में मौजूद पुजारियों और ब्राह्मणों को सचेत भी किया। पिछले 7 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ बनाया, काशी बनाया, उज्जैन बनाया, और मुझे पूरा विश्वास है उस समय दूर नहीं पूरे भारत का एक एक मंदिर का पूर्ण निर्माण। जब मौलवियों को जब सैलरी और वेतन दे सकते तो मंदिर में बैठे हुए जो अमीरों पक्षों से मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा और जनता की सेवा कर रहे हैं, उन पंडितों ने क्या बात किया। हिंदुत्व को जगाना है तो वो मंदिर से बड़ा कोई माध्यम हो नहीं सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए वोट मांगने की बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने मंदिर के पुजारियों को भी दी है। इसी विषय पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंदिर प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ संयोजक कर्नल सिंह और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने दिल्ली के कोने कोने से आए मंदिर के पुजारियों से कहा कि दिल्ली सरकार मौलवियों को वेतन दे रही है, लेकिन पुजारियों ने क्या पाप किया है। इस विषय पर एक बड़ा प्रदर्शन केजरीवाल आवास पर होना था, लेकिन आचार संहिता लग जाने की वजह से ये स्थगित हो गया। उन्होंने वहां बड़ी संख्या में मौजूद पुजारियों से कहा कि अब वे इस मामले को लेकर जनता के बीच जाएं और उन्हें समझाएं कि बीजेपी ही सनातन संस्कृति की चिंता करती है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत मंदिर के पुजारी ही सुनिश्चित करेंगे। जब मौलवियों को जब सैलरी और वेतन दे सकते हैं तो मंदिर में बैठे हुए जो अनेकों वर्षों से मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा और जनता की सेवा कर रहे हैं, उन पंडितों ने क्या पाप किया। निश्चित रूप में यहाँ पर हजारों मंदिरों की जो पुजारी है उनको सैलरी दिलवा के ही भारतीय जनता पार्टी दम दे, उसके लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर आना पड़े। आपकी कंधे से कंधा मिलाकर आप पीछे रहिए, भारतीय जनता पार्टी आगे रहिए। दिल्ली बीजेपी को अपने मंदिर प्रकोष्ठ पर बहुत भरोसा है। ये भरोसा क्यों है ये भी समझिए। अभी मंदिर प्रकोष्ठ को बने करीब 1 साल ही हुआ है, लेकिन इस दौरान इससे दिल्ली के मंदिरों के करीब 2 लाख पुजारी जुड़ चुके हैं। इस प्रकोष्ठ से जुड़े पुजारियों ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी ताकत का एहसास भी कराया। केजरीवाल आवास पर प्रदर्शन कर अपने तेवर भी दिखाए। 1 साल से मंदिर प्रकोष्ठ संयोजक मंदिरों में पुजारियों और संतों के साथ मीटिंग करना केवल मंदिर और पुजारियों के हकों की बात कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सावधान और सचेत भी कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ ने पुजारियों को ये भी समझाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर और मंदिर के पुजारियों के लिए क्या क्या किया और क्या क्या करने वाले हैं। आज आपके सामने है, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। पिछले 7 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने है केदारनाथ बनाया, काशी बनाया, उज्जैन बनाया, और मुझे पूरा विश्वास है अगर उनके हाथ को आपने हाथ दे रखा और उनको आशीर्वाद दे के रखा तो उस समय दूर नहीं पूरे भारत का एक एक मंदिर का पूर्ण निर्माण होगा, जहाँ से संस्कृति चलेगी, जहाँ से देश चलेगा, और जिस देश की संस्कृति होती है वही उन्नति करता है। बीजेपी ने दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ की स्थापना कर दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा पुजारियों को जोड़ा है, और अब ये पुजारी दिल्ली में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए नगर निगम में वोट मांगेंगे। यदि दिल्ली में ये प्रयोग सफल हुआ और दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को जीत मिली तो 2024 तक देश भर में मंदिरों से ही जन जागरण अभियान चले तो हैरानी की बात नहीं होगी। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर